आज हमारे पास आई है एक्सयूवी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी में प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी का वाइपर और ये जो स्पीड मीटर और आरपीएम मीटर है, ये फुल भाग जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 100 220 के, और ये फुल हो गया और टेम्परेचर मीटर ब्लिंक कर रहा है और गाड़ी चल ले रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका वाइपर भी डायरेक्ट चल रहा है इग्निशन ऑन करते ही, और गाड़ी सेल्फ ले रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी को हम आज चेक करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कहां से क्या फॉल्ट है। तो जैसा कि हमने देखा, तो पहले नीचे ही इसके जैसे चूहों ने इसका वायर काट दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वायर जो कि चूहों ने ये वायर को डैमेज कर दिया है। तो हम नीचे कैमरा को अपने ले जाके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारा वायर ये चूहों ने काट दिया है, जो कि इसमें कैन लाइन के भी वायर है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसका ढेर सारा वायर चूहों ने यहीं से काट रखा है। तो यहाँ से हम सारे वायर को एक एक करके जोड़ लेंगे और फिर देखते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है या फिर नहीं। तो हम सारे वायर को जोड़ लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो अब हम इग्निशन ऑन करके आपको दिखाते हैं क्या हमारी गाड़ी में जो चेक इंजन की लाइट और इसका आरपीएम मीटर और स्पीड मीटर फुल भाग जा रहा था, वो सही हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, चेक लाइट भी आ रही है इसमें, और इसका जो स्पीड मीटर फुल भाग जा रहा था वो भी नहीं भाग रहा है, और गाड़ी हमारी प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। आरपीएम भी इसका सही हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में गाड़ी हमारी प्रॉपर ओके हो गई है। जो तो गाड़ी हमारी फाइनली ओके हो गई है, जो कि इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, जो कि इसका मीटर